अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातमा ज़ाहरा है। मैं फ़तेहिया रुकफ़ा मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और इसके अलावा मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हूँ। आज मैं आप लोगों से वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के मौके पे कुछ अहम बातें करूँगी। बात यह है कि जब नवंबर का महीना आता है तो 14 नवंबर को हर साल मुल्क भर में और बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर डायबिटीज़ से मुतल्लिक आगाही पैदा की जाए कि डायबिटीज़ होती क्यों है और इससे बचाव के तरीके क्या हैं। डायबिटीज़ के ऊपर हम इतना ज़ोर इसलिए दे रहे हैं कि हमारा मुल्क बदकिस्मती से डायबिटीज़ के ऊपर इसकी शरह जो है वो ऊपर जाती जा रही है, जबकि हम चाहते ये हैं कि लोग डायबिटीज़ से बचें और जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है वो कॉम्प्लिकेशन से दूर रहें, यानी उसकी जो पेचीदगियाँ होती हैं वो ना हों। तो डायबिटीज़ होती क्यों है, बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके। जो चंद मेन या अहम वजूहात हैं उसमें ये है कि खुराक, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी या तर्ज ज़िंदगी और हमारे सोने उठने के औकात, इनके अंदर जो डिस्टर्बेंस आई हुई है उसकी वजह से हमारे मुल्क में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है। हमें चाहिए ये कि हम अपनी सेहतमंद ग़ज़ा का इंतखाब करें, यानी कि वो ग़ज़ा जो हमें बॉडी को, हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचाए, ना कि नुकसान पहुंचाए। यानी आप एक तो बहुत ज़्यादा ना खाएं, पेट भर के खाना खाना मुमकिन नहीं है, ठीक है, और ना करना चाहिए क्योंकि इसके नुकसानात ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम। दूसरा ये कि जो ग़ज़ा खाएँ, कम खाएँ, अच्छा खाएँ, क्वालिटी फ़ूड होना चाहिए, यानी कि सब्ज़ी का, फलों का इस्तेमाल हो खुराक में। जबकि डायबिटीज़ के मरीज़ों को हम ये नहीं कहते कि जी आप जूस पी लें, आप फल खाइए, एक खाइए, आधा खाइए, लेकिन आप उसका जूस बना के ना पीजिए, सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। आप जो है सालन रोटी खा सकते हैं, आप चावल खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं। जो अहम तेल वाले या घी वाले बहुत खाने हैं उनको अवॉइड किया जाए। दूसरा ये है कि एक्सरसाइज, ये बहुत अहम बात है। आजकल की ज़िंदगी में एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, तो अगर हम बाकायदा जिम वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो रोज़मर्रा की वॉक ये कर सकते हैं, चहलकदमी। वॉक बहुत ज़रूरी है, रोज़ाना 30 मिनट की वॉक, और वो भी हफ्ते के 5 दिन ज़रूरी है। ये सबसे आसान चीज़ है। और जो लोग वॉक ना कर सकें वो अपने जिस्म को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं बैठे बैठे। इसके अलावा तीसरी चीज़ है कि आपकी तमाम चीज़ें रूटीन के साथ हों, वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, ये चीज़ें बहुत अहम हैं क्योंकि ये डायबिटीज़ के लिए और बल्कि एक आम इंसान की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। और डायबिटीज़ के अंदर जब इतनी चीज़ें डीरेंज हो रही होती हैं कि एक तो शुगर जो है बॉडी के अंदर जो जमा हो गई है वो यूटिलाइज़ नहीं हो रही, किसी को इंसुलिन की ज़रूरत है और किसी को दवाओं की ज़रूरत है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है। तो बेहतर ये होता है कि पहले अपने मॉलेज से मशवरा करके डायबिटीज़ की तशखीस करवाएँ, और अगर डायबिटीज़ है तो उसके बारे में कि वो कौन से टाइप की डायबिटीज़ है और उसका क्या मुकम्मल इलाज है वो हासिल करें मशवरा। इसके साथ ही अहम बात यह है कि हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारना है कि एक तो डायबिटीज़ होना तो बहुत अच्छी बात है, हो गई है तो वो कंट्रोल्ड रहे। जितनी अच्छी कंट्रोल होगी उतनी ज़्यादा ये पेचीदगियाँ, जिसमें कि बिनाई असरअंदाज हो सकती है, गुर्दे मुतासर हो सकते हैं, नर्व्स या आसाब पे असर पड़ जाता है, मरीज़ को ज़ख़म हो सकते हैं, पेशाब का इन्फेक्शन हो सकते हैं, फालिज का अटैक, हार्ट का अटैक, तो ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ के अनकंट्रोल होने की वजह से हैं। डायबिटीज़ से हमें डरना नहीं है मगर लड़ना है, इसलिए कि हमारे मुल्क के नौजवान और आने वाली नस्लें जो हैं वो एक सेहतमंद माहौल में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। इसके साथ ही आप सबकी तवज्जो का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।